Moonpie and Tinky were equally enthusiastic. How could they cut down those enormous branches? If their parents knew, they would surely be angry. And even if there were four of them, cutting down a tree so large would take them at least 2 days. अब मोनपी और टिंकी भी बहुत उत्साहित हो गए जामुन का पेड़ काट के बड़ी मेजी बनाने के लिए। अब इनके मन में विचार आया, हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। अब ये इतनी बड़ी बड़ी शाखाओं को काटेंगे कैसे? इफ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री। और अगर उनके माँ बाप को पता चला कि ये पेड़ काट रहे हैं बच्चे, तो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे माँ बाप। एंड इवन इफ दे वर अ फोर ऑफ देम कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एट लीस्ट 2 डेज। और अगर चारों मिलके काटते भी हैं इस पेड़ को, तो इस पेड़ को काटने में उनको कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा। बट द चांस केम जस्ट 1 डे बिफोर द फेस्टिवल। और परंतु जो चांस था पेड़ काटने का वो कब मिला इनको? त्योहार के एक दिन पहले। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कलकत्ता एंड शी वॉन्टेड देयर पेरेंट्स विथ हर। तो उनकी जो दादी माँ थी वो कलकत्ता में थी और वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो चाहती थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं रिकी मोनपीट जोनक टिंकी के माता पिता हैं वो दादी माँ के पास चले जाएं। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। और जब जा रहे थे मम्मी पापा, तो जाते जाते उनकी जो माँ थी उन्होंने उन बच्चों को कई सारी इंस्ट्रक्शंस दी कि इस तरह से रहना, ऐसे करना, वैसे करना, ये सारी समझ जानकारी देते हुए वो लोग निकल गए। अब बच्चे बस थे घर में और वो लोग काट सकते थे पेड़ को। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे एंड इफ यू हैव टाइम गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेची। अब उसके बाद में माँ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देके गई, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह दूध पीना मत भूलना, एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे, रोज अपना होमवर्क करना, एंड इफ यू हैव टाइम अगर तुम्हारे पास समय रहे गो टू द वुड्स थोड़ा जंगल की तरफ चले जाना एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स, तो वहां पे जो छड़ियां और वो शाखाएं छोटी छोटी सूख के जो गिर जाती हैं पेड़ से, वो गिरी हुई होंगी उनको बीन कर लाना एंड जो जमीन पर गिरी होंगी दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी। और उन लकड़ियों को तुम उसमें जोड़ सकते हो जो लकड़ियां हम मेजी बनाने के लिए खरीदेंगे। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन वॉज अ सैटरडे। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एक्स फ्रॉम देयर नेबर्स दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज। रिकी एंड जोनक बींग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेज।